देपालपुर जनपद पंचायत में लगातार घोटाले देखने को मिल रहे हैं। वहीं जनपद सीईओ के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है जनता है कि इतनी भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद के लिए त्रस्त। इंदौर जिले के बेटमा देपालपुर के बीच स्थित दौलताबाद गांव में शासन की नल योजना के नाम पर खुली लूट की जा रही है। शासन आम जनता को निःशुल्क इस योजना का लाभ देने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं सरपंच और मंत्री की मिली भगत यानी मनमानी के चलते इस योजना के नाम पर ग्रामीणों से 2600 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। वहीं रुपया लेने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब रहवासियों ने विरोध किए तो सरपंच ने खुले आम कहा कि तुम कहीं भी शिकायत कर लो, हमारे लोग मामले को संभालना जानते हैं क्योंकि यह पैसा सभी में बढ़ता है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दूर लीजिए एरिया पानी भरेगी क्यों? आपके गांव में नल जल योजना नहीं है? कितने रुपए लिए आपके कनेक्शन के नाम पर? 2600 रुपए। उसके बाद पानी दे रहे हैं? नहीं दे रही, 8-10 दिन। फिर ये पानी कितने बंद करा? पानी अब पंचायत ने कही, मतलब नलवान बंद कर जो कितने कही। फिर आपने वहाँ पर बोला पंचायत में जाकर? तो पानी नहीं है, दूर सारी चम्बल नदी में से पानी नहीं है। पानी नहीं है, फिर ये पानी आप यहाँ से भर के ले जा रहे हैं? यहाँ से ले जा रहे हैं। पानी की समस्या था, फिर क्या लेकर पानी की समस्या कैसे दूर हो रही है यहाँ पर पानी के लिए? पानी ये भूतपूर्व सरपंच पिला रहे हैं 2 साल से। हाँ, बाकी पानी वर्तमान जो सरपंच है वो पानी नहीं पिला पा रहे हैं। क्यों नहीं पिला पा रहे हैं वो? क्या पता क्या समस्या है उनके, पैसे ले लिए पूरे और पानी नहीं दे रहे। अभी नल जल योजना चल रही थी आपके गाँव में, तो क्या चल रहा है उसमें, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितने रुपए कनेक्शन के नाम पे लिए? 2600 रुपए लिए। हाँ, और महीने के? 150 रुपए महीना। फिर पानी फिर भी बंद है? पानी फिर भी बंद है। फिर अभी गांव की प्यास कौन बुझा रहा है? भूतपूर्व सरपंच है, कैलाश सरपंच। हाँ, उनके ट्यूबवेल से पानी, उनसे ट्यूबवेल से। इस जो पानी का ट्यूबवेल से ही आपके पैसे लगा, ये कौन कौन से मोहल्ले में पानी पी ले जा रहे हैं? पूरे गाँव में जा रहे हैं, लगभग पूरे गाँव में जा रहे हैं। लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, आप देख रहे हो।